नमस्कार, स्वागत है आप सबका यूनाइटेड गठरिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से खुद की व्यस्तता की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाया जब हमारे समाज से आने वाले राम किशोर बघेल सेना में, जो आर्मी में बीएसएफ में थे, वो शहीद हो गए हैं। तो आज हम सबको उनके बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहिए कि आखिर वे कहाँ के रहने वाले हैं और क्या क्या उनके साथ हुआ, ये हम सबको जानना चाहिए। देखिए, राम किशोर बघेल एक साधारण परिवार से थे। उन्होंने बचपन से सोचा था कि उन्हें आर्मी में जाना है, और जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका सपना और प्रगाढ़ होता गया, और वे एक समय ऐसा आया जब आर्मी में वे सेलेक्ट हो गए और बीएसएफ में अपनी सेवाएं भी देने लगे। तो और देश का यह जुनून, देश सेवा का यह जुनून उन्हें हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार करता रहा है। अब आगे बात करते हैं कि 2010 में वह काला दिन आया जब जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में आतंकवादियों से मुठभेड़ में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। कठुआ के पास आतंकियों ने हमला किया और उस समय राम किशोर बघेल अपने साथियों के साथ डटकर मुकाबला करते रहे। उनकी वीरता और साहस का यह अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश की रक्षा करी। राम किशोर बघेल जो हैं, उस दिन सीमा सुरक्षा बल पर अपने साथियों के साथ जम्मू कश्मीर के कठुआ में ड्यूटी पर थे। आतंकियों ने हमला किया, जवानों की पूरी टीम ने आतंकियों का डटकर सामना किया। राम किशोर बघेल ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने साथियों को कब्र किया और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। इस मुठभेड़ में उन्होंने वीर गति को प्राप्त की, लेकिन आतंकियों के मंसूबों को वे कामयाब बिल्कुल नहीं होने दिए। अब देखिए, राम किशोर बघेल की शहादत के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है, लेकिन ये दुख की बात है कि हमारे समाज के कुछ लोगों को पता ही नहीं है। इसीलिए भाई मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, जिससे हम सबको पता चले। नहीं तो एक्चुअली हमारे समाज से बहुत सारे ऐसे लोग, समाज आता ही नहीं, इसमें पूरे देश के शहीद होते हैं उनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, पता होना चाहिए। तो राम किशोर बघेल जो शहीद हुई, उनके गांव के राजखेड़ा में यह खबर जब पहुंची तो वहां मातम छा गया। उनके बलिदान को नमन करते हुए सेना और प्रशासन द्वारा उनको पूरी सैनिक सम्मान के साथ विदाई दी गई है। उनके परिवार, गांव और पूरे देश ने इस वीर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करी है। अब बात करते हैं परिवार और गाँव के लोग क्या कहते हैं। राजखेड़ा गांव के लोग राम किशोर बघेल की शहादत पर गर्व की अनुभूति करते हैं। उनका नाम हर भारतीय दिल में बसता है। उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण क्षण था। महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन गौरवपूर्ण क्षण था उनके परिवार के लिए। जब देश ने उनके बेटे के बलिदान को सलाम किया, उनके बलिदान ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा प्रदान करी है। यानी समाज की बात की उन्होंने कि हमारे गठरिया समाज के लोग भी देश की रक्षा के लिए सेना में जाएंगे, किसी अन्य जॉब पर जब भी रहेंगे तो वे देश की सुरक्षा, देश को सर्वोपरि रखेंगे। अब राम किशोर बघेल जैसे वीर सपूतों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं भाई। उनका बलिदान हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि देश के रक्षा में जो जवान अपनी जान निछावर करते हैं, वे हमारे सच्चे नायक होते हैं। ऐसे वीरों का सम्मान करना चाहिए और उनकी कहानियों को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर उनके बलिदान को सलाम करें। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ इस वीर सपूत की वीर गाथा को सुना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ, ऐसी प्रेरणादायक मोटिवेशनल चीज़ें जो आपको मोटिवेट करें और समाज को एक कदम आगे ले जाएं, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। आप इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।